हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली, तो ये इनके गांव का रास्ता है। इस गांव के रास्ते से हम यहां से जाएंगे आगे। आगे नीचे जाके एक रोड है, वहां पर कि इनके गांव में कोई इनके दादाजी हैं, वो गाड़ी उनकी है, तो उस गाड़ी में हम जाएंगे। तो उस गाड़ी में जाने के लिए यहाँ से आगे निकलते जाएंगे। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं, इनके गाँव के खेत हैं, रोड है। और दोस्तों, हम वहाँ से आगे निकल गए थे गाड़ी से, और यहाँ पर हमने देखा कि किसी से किसी की बहसबाजी हो रही है, लड़ाई हो रही है। तो हमने सोचा थोड़ा रोक के देखते हैं, कोई अपना तो नहीं है। तो इतने में क्या सीन हुआ कि वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उनसे बहसबाजी करने लग गए। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा हुआ था कि एक होटल में कुछ 3-4 लड़के खाना खाने के लिए रुके थे, तो उनको लगा खाना ही खा रहे हैं, पर वो लोग वहाँ पर पीना खाना भी कर रहे। तो इस वजह से जो होटल के मालिक थे, उनको गुस्सा आया और उन्होंने उनको बोला कि तुम यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन लोगों ने उनको मारा पीटा ऐसे ऐसे करके। तो इतने में फिर वो लोग बाहर आए। बाहर आने के बाद जनता थोड़ी इकट्ठा हुई, तो उन जनता के जो लोग थे, उन्होंने उनको पकड़ के बहुत मारा ताकि वो सबक सीख सकें। इससे आपको क्या समझ आता है? इससे यह समझ आता है कि कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए। फिर दोस्तों, हमको लेट हो रहा था, तो हम आगे की साइड निकल गए क्योंकि हमको जाना था दिल्ली। तो दिल्ली में आपको पता है कितना टाइम लगता है दिल्ली जाने में, तो इसलिए हम आगे निकल गए क्योंकि हमें वहाँ से बस भी पकड़नी थी, क्योंकि हमारी बस छूट सकती थी अगर हम वहाँ पर ज़्यादा देर रुकते। तो तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग मार्केट। पहुंचे भी क्या है, बस थोड़ा सा आगे जाके रुद्रप्रयाग मार्केट है। तो जो आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि सामने इतने सारे घर दिख रहे हैं, तो वही एक मार्केट है रुद्रप्रयाग की। और इसके यहाँ पर आगे जाके आप देखोगे तो नीचे से मतलब एक नदी भी जा रही है, तो ये नदी आगे जाके देवप्रयाग में मिलती है, और आगे जाके देवप्रयाग को भी आपको ज़रूर दिखाएंगे।
तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग संगम पे, और यहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती है। आप सबको शायद पता ही होगा, जिसको नहीं पता है तो उसको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दो नदियाँ मिलती है और सामने आप देख रहे होंगे मंदिर भी है, और आगे जाके आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना, क्योंकि मैं पूरी वीडियो आगे बनाए जा रहा हूँ, तो आप उन चीज़ों को भी ज़रूर देखना ताकि आपको ज़रा फील हो जाए कि भाई गाँव में जाके आपको कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता। पहाड़ों का एक व्यू दिखने को मिलता है और नदियों का एक संगम देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके थे तीन धारा में, जहां पर हमने थोड़ा बहुत नाश्ता करना था, खाना खाना था। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत यहां पर फ़ोटो और वीडियोज़ भी बना ले अपनी, और फ़ोटोज़ तो मैंने इतनी डाली नहीं इसमें, क्योंकि फ़ोटो मैंने सोचा कि क्या ही डालूं एक वीडियो में। बट मैंने इसमें जो अपनी थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी उस वीडियो को मैंने अपलोड करा। तो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।